ये ले, दवाई खा ले। दवाई खा ले। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? घबराहट हो रही है, ऐसा लगता है जैसे दिल बैठा जा रहा हूँ। मुझे तो अपनी बच्ची की फिक्र लगी हुई है, किस हाल में होगी सनम, किसके पास होगी? क्यों याद करते हैं आप उसको? ये पकड़िए, आप दवाई खाइए, मैं सूरत यासीन का पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ शफीक? शफीक क्या हुआ आपको? महा उस महा, जल्दी आओ, देखो तुम्हारे पापा को क्या हुआ। उठाओ इनको, उठाओ भाई। शफीक भाई, शफीक भाई, शफीक उठे ना, ठंडे पर गए भाई। बकवास, शफीक उठिए, उठिए अभी, शफीक उठे ना भाई, शफीक उठ क्यों रहे रे भाई? शफीक क्या हुआ है आपको? शफीक उठिए ना, उसमें उठाओ इनको, शफीक उठिए ना, शफीक उठिए, शफीक, शफीक कैसे नहीं जा सकते आप? अच्छा तो अब इसमें ये डालना है। ओके अम्मी, अम्मी मेरा हाथ जल गया। अभी जिसकी जवान बेटी भाग जाए उसका बाप जिंदा कैसे रह सकता है? छोटी बेटी का सदमा बाप को खा गया है, अल्लाह गारत करे ऐसी औलाद को। हाँ, क्यामत के आसार हैं, तौबा तौबा, अल्लाह इनके घर पे रहम फरमाए। कभी कभी रहमान के घर में भी शैतान पैदा हो जाता है और सारी खुशियाँ खा जाता है। जनाजा उठाने का वक्त हो गया है। नहीं 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 बाबा, मेरे बाबा को कहीं मत लेके जा, मेरे बाबा को कुछ नहीं होगा। नहीं बाबा, चुप करो बाबा, बारे बाबा आएंगे ना सनम, मारेंगे, हम सब मिलके मारेंगे सनम को, हमारे बाबा के साथ मिलके मारेंगे, साथ मिलके मारेंगे। खुद को संभालो भाई, सब चले गए, अब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वो। Oh,
रिजा, अपने डैड को बता दिया तुमने शादी का? जी आंटी। तो फिर क्या सोचा तुमने, उनका वेट करोगी? नो, नेवर। डैड को तो मेरी फिक्र ही नहीं है, अगर उनको परवाह है तो अपनी उस फॉरेनर बीवी की। हर कोई अपनी मफादात पर चल रहा है, अब उनको मेरी फिक्र नहीं तो मैं क्या सोचूं? मैं समझ सकती हूँ बेटा, मुझे तुम पर यकीन है, तुमने जो भी फैसला किया है सोच समझ के किया होगा। जरार, तुम ऐसे बैठे हो जैसे किसी वलीमे पे आए हो। जब दो खवातीन आपस में बात कर रही हैं, मेरे ख्याल में बेहतरी यही है कि इंसान खामोश रहे। देखा आंटी, कितना मजलूम और मासूम है आपका बेटा। हाँ भाई, मेरा बेटा जो है। जरार, हमारी शादी की बात चल रही है। एंड आई'ड लाइक टू गो शॉपिंग, इफ यू डोंट माइंड, क्या अपॉइंटमेंट मिल सकती है? जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं बीच में कुछ मदाखलत कर सकूं। आंटी, आजकल जरार मुझे बहुत परेशान लगता है, जैसे अपनी सोचों में गुम हो। वो दरअसल रिजा बेटा, वो अभी शादी के लिए मेंटली रेडी नहीं है ना। इसका मतलब मैं ना समझो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जिस इंसान को आजादी पसंद हो उसके सामने शादी की बात की जाए तो फिर ऐसे रिएक्ट करता है। रिजा तुम परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ आदी हो जाएगा वो। अच्छा, यानी कि मिस्टर जरार को अपना फ्रीडम चाहिए। यस, इट्स नेचुरल। आंटी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। माम, भाभी सो गए हैं, बहुत मुश्किल से असर हुआ है इंजेक्शन का, अल्लाह करे उन्हें आराम आ जाए। क्या सनम का कुछ पता चला? जैसे पता चलेगा ना, सबसे पहले मैंने आपको इत्तला करनी है, अपना व्हाट्सएप नंबर देना। अच्छा, आप पढ़ें। चलो
क्या हुआ जरार? कुछ है, कुछ है। By the way, this is for you. Wow. कैसा है? That's so pretty. मुझे लगा था कि तुम भूल जाओगे, लेकिन तुम मुझे बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हो। सच सच बताओ, कितनी शादियां की तुमने? तुम मेरी दरार पे शक कर रही हो? आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा बनाओ। Wow, I love it. Thank you so much. ये सनम कौन है? अली उठ जाए, सुबह हो गई है। अली उठ जाए, सुबह हो गई, आपको ऑफिस नहीं जाना? चला जाऊंगा यार, अब मेरे सर पे क्या खड़ी हुई हो? जाओ जाके नाश्ता बनाओ। क्या हुआ उस्मान, रो क्यों रही हो? जाओ खुशी मनाओ अपनी जीत की। सनम तो ना समझ थी, तुम तो समझदार थे। याद है जब अम्मा का इंतकाल हुआ था तो रफीक भाई और उनकी बीवी ने तुम्हें घर से निकालने को कहा था? जब शफीक भाई और साबरा भाभी ने मुझे रहने को जगह दी, छत दी, इज्जत दी, और तुमने क्या किया? इस घर की दीवारों को हिलाने की साजिश? पता है ये रिश्ते नाते मोहब्बत और मुखलिसी की दीवार से बनते हैं, और जब भी कोई इन दीवारों को हिलाने या गिराने की साजिश करता है ना, तो सबसे पहले इस घर की छत उसी के सर पर आके गिरती है। मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? क्या?
तुम्हें कहा था कि कॉल मत करना, मैं खुद कॉल करूंगा। सुबह से अब तक दर्जनों कॉल्स आ चुकी हैं तुम्हारी। अरे यार तबीयत खराब है तो सबा के साथ चली जाती ना। जस्ट शराब। तुम्हें पैसे ऑनलाइन भिजवा दूंगा और हाँ, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगा। मॉम की तबीयत अभी खराब है, तुम मुझे कॉल मत करो, मैं तुम्हें देखूं या मॉम को देखूं? ओके, ठीक है बाबा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है बाबा, ठीक है। ओके, अभी फोन बंद कर। Is everything all right? Yes. Everything is all right. I don't think so. मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ वो नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसका एक छोटा सा मसला है बस, that's it. कौन सी दोस्त? वो सनम? कौन सनम? वही जिसकी कल से मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। हाँ अच्छा, वो तो मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ है, उसकी कॉल्स आ रही हैं। अच्छा आपकी चाय। शुक्रिया। आप जॉब ढूंढ रहे हैं? नहीं, अपने काम से काम रखा करो। ऑफिस में कोई मसला हो गया आपके? मसला ऑफिस में क्या होना है, मसला तो जिंदगी में हुआ है ना। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, समझी? अपने काम से काम रखो। वो दरअसल मेरा एक दोस्त बीमार है, तो सनम उसकी बीवी जब भी परेशान होती है वो मुझे ही कॉल करती है। अच्छा, एनीवे लीव इट। अब तुम मुझे ये बताओ, हम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? मैंने क्या बताना है, जो आप हुक्म करें। रियली? यस। मैं सोच रही थी कि हम हनीमून के लिए मालदीव चले। आई एम सो एक्साइटेड। एंजॉय योर ट्रिप गाइस। थैंक यू एमन। तुम क्यों नहीं चलते हमारे साथ? नहीं, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि तुम माहम को भी टाइम दिया करो। मियां आप जानती हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं माहम को नहीं पसंद करता।